हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? लास्ट वीडियो में हमने ईमेल मैसेजिंग का सेशन 1 पढ़ा था। हम नेक्स्ट सेशन पढ़ेंगे हम, जिसमें है कस्टमाइजिंग द क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार आपको पता ही है सबको क्या होता है, कि कोई ऐसे ऑप्शन होते हैं जिसको आपको क्विकली यूज़ करना होता है, तो उसको हम क्विक एक्सेस टूल बार में यूज़ कर लेते हैं। जैसे कट, कॉपी, पेस्ट या कई ऐसे ऑप्शन होते हैं जिनको बारी बारी आपको टैब में जाके चूज़ करने की जरूरत ना पड़े, आपको क्विक एक्सेस टूल बार में उसके आइकन्स मिल जाएं और वहाँ से डायरेक्टली आप उसको यूज़ कर पाओ। तो इसमें भी वही चीज़ बता रखी है कि यू हैव लर्न टू वर्क विद वेरियस ऑप्शन इन ईमेल मैसेजिंग सॉफ्टवेयर। अब यू कैन ऐड शॉर्टकट्स टू आइटम्स दैट फ्रिक्वेंटली यूज टू क्विक एक्सेस टूल बार फॉर कन्वीनियंस। कि आपकी कन्वीनियंस के लिए कुछ जो आइकन्स यूज़ किए जाते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में, जिसको आप क्विकली यूज़ कर पाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू फ्रिक्वेंटली यूज़ क्लिप आर्ट इन योर ईमेल्स, यू कैन ऐड द शॉर्टकट्स ऑफ क्लिप आर्ट कमांड टू क्विक एक्सेस टूल बार। जैसे क्लिप आर्ट यूज़ करना चाहते हो आप उसको अपने ईमेल में, तो आप उसको एज ए आइकन इसको क्विक एक्सेस टूल बार से यूज़ कर सकते हो। अब आप इसको यूज़ कैसे कर, कस्टमाइज़ कैसे करते हो? कस्टमाइज़ मतलब अपनी तरफ से आपको ऐड करने ऑप्शन। तो कस्टमाइज द क्विक एक्सेस टूल बार, डू द फॉलोइंग। सबसे पहले फाइल में जाएंगे आप, न्यू में जाएंगे, न्यू में मैसेज का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक ऑन द, या फिर आप राइट क्लिक करेंगे ऑफिस रिबन पे, और वहाँ पे ऑप्शन आएगा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। ये देखिए, ये साइड पे आपके पास ये दिया हुआ ना बॉक्स ऊपर, यहाँ पे आप राइट पे क्लिक करेंगे, ऑफिस बटन के राइट पे क्लिक करेंगे, ये जो ऊपर ऑफिस बटन होता है वहाँ क्लिक करते ही ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, उसमें फर्स्ट ऑप्शन ही दिया हुआ है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इस पर क्लिक करते ही आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है, एडिट ऑप्शन। अब इसमें देखो, आप ये लेफ्ट साइड पे देखो, सारे दे रखे हैं ऑप्शन, चेक नेम्स, डिलीट, फॉरवर्ड, एड्रेस बुक, इसमें सारे जो भी शॉर्टकट्स होते हैं सभी होंगे। आपको जिसको यूज़ करना है, जैसे मान लो आपको चेक नेम्स को करना है या अटैच फाइल को करना है, तो उसको सिलेक्ट करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, तो वो ऐड होता जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, इन्होंने सेव, अंडू, रीडू, प्रीवियस आइटम, नेक्स्ट आइटम, ये सारे यूज़ कर रखे हैं, तो जो आपको चूज़ करना है सिलेक्ट करके ऐड बटन पर क्लिक करते जाएंगे, ठीक है। यू कैन सेलेक्ट कमांड्स फ्रॉम चूज कमांड्स ड्रॉप डाउन मेन्यू, आप चूज कमांड से भी कर सकते हो, ये ऊपर चूज कमांड का ऑप्शन है ना, यहाँ पे क्लिक करोगे, ऑल कमांड्स कर दो, ऑल कमांड से क्या आएगा, ऑल कमांड्स में फिर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, आप उसमें से क्लिप आर्ट लिस्ट आएगी, क्लिप आर्ट लिस्ट में जाके आप उसको फिर ऐड बटन पे क्लिक करोगे, तो क्लिप आर्ट का जो ऑप्शन भी है वो भी क्विक एक्सेस टूल बार में चला जाएगा। देखो, जैसे कस्टमाइज़ किया आपने, कस्टमाइज़ में जाके आपके पास यहाँ पे अब ये एक और लिस्ट दिख रही है साइड पे, उस लिस्ट में ये देखिए, ये साइड पे कोर लिस्ट दिख रही है, इस लिस्ट में आपके पास सारे ऑप्शन होंगे, तो क्लिप आर्ट का आप यहाँ से यूज़ करके ऐड पे क्लिक कर दोगे तो वो भी हो जाएगा। देखो, इसमें दिखा भी रखा है कि क्लिप आर्ट का इसने ऐड कर लिया है। उसके बाद क्विक एक्सेस टूल बार इज़ डिस्प्लेड एट द टॉप ऑफ बाय डिफॉल्ट। अब फिर उसको ऐड करने के बाद अपने आप टॉप पे, रिबन के टॉप पे ही दिखता रहेगा। ये देखो, ऊपर दिख रहा है आपको, आइकन्स दिख रहे हैं जो जो आपने अभी ऐड किए हैं, जैसे सेव का, अंडू, रीडो, ये क्लिप आर्ट का भी ऐड हो गया इसके अंदर। तो क्विक एक्सेस टूल बार इज़ डिस्प्ले एट द टॉप ऑफ बाय डिफॉल्ट, हाउएवर टू मूव इट्स पोजीशन, आप इसकी पोजीशन को मूव कर सकते हो, क्लोजर द वर्क एरिया, अबव द मेल मैसेज, ऊपर भी कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो। जैसे इसको भी कैसे करने का तरीका है, वही सेम ऑफिस रिबन है जो, उस पर राइट क्लिक करोगे, यही जो पहले आपका ऑप्शन आए थे ना आपने फर्स्ट पे क्लिक किया था तब कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पे, अब सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इसको, इसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए, शो क्विक एक्सेस टूल बार बिलो द रिबन, आपको नीचे चाहिए रिबन के, देखो ये दिखा भी रहा है कि एरो से आपको या नीचे चाहिए या ऊपर ही चाहिए, तो आपको नीचे चाहिए तो इस पर क्लिक कर दोगे, वो नीचे आ जाएगा, मिनिमाइज़ द रिबन, मिनिमाइज़ हो जाएगा रिबन, मतलब रिबन नहीं दिखेगा आपको। तो ये सारे ऑप्शन इसमें आप कर सकते हो। नेक्स्ट है एडिंग कमांड्स नॉट अवेलेबल इन डिफॉल्ट टैब्स, नॉट ऑल कमांड्स एक्सेसिबल थ्रू डिफॉल्ट टैब्स। जो हमारी टैब्स होती हैं, मैसेज, इंसर्ट, ऑप्शन, फॉर्मेट, ये सारी टैब्स होती हैं, इसमें कई बार सारी कमांड्स नहीं होती, तो सी ए लिस्ट ऑफ कमांड्स नॉट अवेलेबल इन, जो डिफॉल्ट टैब में रही रहती है, इसके लिए क्या करोगे आप, फाइल में जाओगे, न्यू में जाओगे, मैसेज में जाओगे, या फिर राइट क्लिक करोगे रिबन पे, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पे एक एडिटर का ऑप्शन होता है आपके पास। एडिटर का ऑप्शन ओपन करते ही आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, सिलेक्ट कमांड्स नॉट इन रिबन, फिर आप वो वाली कमांड्स को सिलेक्ट करोगे जो रिबन में नहीं है, तो आप चूज़ करोगे कमांड्स को, ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, फिर उसके बाद उसमें से आप चूज़ कर सकते हो कस्टमर इक्वेशन, कस्टमर इक्वेशन, और ऐड करोगे इक्वेशन का, देखो ये दिखा भी रखा है आइकन ही ऊपर,
एरो से ये ऐड करने के लिए बता रहा है इसको, तो ये ऐड हो जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या है बच्चे, ये ऑप्शन हमारा टैब में भी नहीं होता है, लेकिन अगर हम इसको हमने कस्टमाइज़ करके क्विक एक्सेस टूल बार में लेके आए हैं तो ये ओपन हो जाएगा। तो अब इसको डायरेक्टली आप इसको यूज़ कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अब देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको इनके आंसर देने हैं। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू ऐड कमांड्स टू क्विक एक्सेस टूल बार विद एन एग्जांपल, कि कैसे ऐड करोगे इसका एग्जांपल देके बताओ। फिल इन द ब्लैंक्स है नीचे, आपको उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट अब ये सेशन यहीं पर कम्प्लीट होता है, नेक्स्ट सेशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।